हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास। तो मैथ्स क्लास गणित सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज हम इस मैथ्स क्लास में शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग गुणनफल दिया है या छोटी बड़ी संख्या हो, इस प्रकार के टाइप से पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम सम क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं पर आधारित सवाल बनाते हैं। ऐसा ट्रिक आप लोग को कोई नहीं बताया होगा शॉर्ट ट्रिक में। दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखते ही हम सवाल का आंसर लगा देंगे कौन सा आंसर क्या आएगा। जैसे हम एक पेपर में बैठे हैं या एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है। हमें कोई बेसिक सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया हमें, सिर्फ तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो 3 से हमें डायरेक्ट इसको भाग कर देना है। 317 * 51 हमारा 17 आ गया है तो 17 बीच की संख्या हो गई है हमारा। तो बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ से तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग की जगह तीन क्रमागत, क्रमागत मतलब यहाँ 16 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा। तो क्या बोलिए, बीच की संख्या पूछा गया दोस्तों, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, हम तीसरा सेकंड सवाल देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो आंसर में जी दिया गया है दोस्तों, तो इसे देखते ही हम टिक लगाएंगे। तो इसको टिक लगाने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं या इम्पोर्टेंट पेपर हाल में हम क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाएंगे दोस्तों। तो पहले एक बार देख लेते हैं। तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, कितने सम संख्या के लिए 24 है, ठीक बीच वाली संख्या निकालनी है हमको। क्या बोलोगे, तीन क्रमागत, तो सबसे पहले तीन क्रमागत एक ले लेते हैं और तीन क्रमागत के लिए इधर 3 से भाग कर देते हैं तो 3 * 8 = 24 ये हमारा 8 आ गया। तो हमारे बीच की संख्या आ गया है दोस्तों। तो इसमें ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो क्या बोल रहे, सम क्रमागत, सम के लिए इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, तो बीच वाली संख्या हमारी 8 है तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ सम संख्या बोला जाएगा तो 2 * 4 = 6 = 8 = 10 ऐसे ये हमारा सम संख्या हो गया दोस्तों। अगर विषम संख्या के लिए बोला जाए दोस्तों 1 * 3 = 5 = 7 = 8 इस टाइप के विषम संख्या पर आधारित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक सवाल और है। यहाँ पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। अब यहाँ विषम संख्या के लिए बोला गया है तो देखते ही हम आंसर लगा देंगे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो पांच क्रमागत विषम संख्या का कितना है, 55 है। हम पांच क्रमागत निकाले दोस्तों, 1 2 3 4 5 पांच डॉट लिख लिए दोस्तों, उसके योग कितने 55 है। तो डायरेक्ट इसको 5 से भाग करेंगे तो 11 बार में जाएगा दोस्तों, 11 * 5 = 55। तो हमारे बीच संख्या हम 11 लिख लिए हैं। तो विषम संख्या के लिए बोला दोस्तों, तो विषम संख्या यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, अब इधर 13 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर सबसे बड़ी संख्या हमारी 15 हो गया दोस्तों और सबसे छोटी संख्या 7 हो गया है। तो हम देखते हैं, यहाँ सबसे छोटी संख्या 7 है और सबसे बड़ी संख्या 15। तो आंसर में क्या दिया है दोस्तों, ए में 11 19, बी में 17 11, सी में 17 15। दोस्तों, हमारा आंसर सेम मिल रहा है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ऐसा शॉर्ट ट्रिक आप लोग को कोई नहीं बताएगा दोस्तों, अभी तक जरूर देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों जितना हो सके। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं अगला वीडियो और बना सकूँ इसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आंसर देखते ही आंसर लगाए हम लोग, 7 क्रमागत सम पूर्णांकों को कितने, 7 क्रमागत, 7 से डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे, 7 * 2 = 14 20 यहाँ यहीं पर 20 आ गया है। 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 है,
सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर 3 और इधर 3, तो यहाँ 20 आ गया है। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 20 के बाद हो जाएगा सम पूर्णांक के लिए बोला गया है। दोस्तों हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करेंगे, यहाँ सबसे बड़ा पूर्णांक बोला गया है, तो यहाँ से 7 से इसको डायरेक्ट भाग कर दें तो 20 आ गया दोस्तों। तो सबसे बड़ा पूर्णांक मतलब इधर से लेंगे, अगर छोटा पूर्णांक बोलता तो इधर से, तो हम दोनों को हल कर लेते हैं। इधर 22 हो जाएगा, सम संख्या बोला गया, सम पूर्णांक बोला गया, 22 के बाद 24 हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इधर नीचे के लिए जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बोला गया सम पूर्णांक के, सबसे बड़ा पूर्णांक था हमारा, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 26। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं योग व अंतर पर आधारित सवाल, जो अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर एग्जाम में। माना दो संख्याओं का योग 46 है, माना कोई दो संख्या है हमारे पास, उनका योग कितना है? 46 है, और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या बोला गया, दो संख्याओं माना हमें दो कोई दो संख्या ले लेते दोस्तों, जैसे कि ए और बी हमारा कोई दो संख्या है, उनका योग हम उनका योग निकालते हैं 46 है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर 14 है। तो उन्हीं संख्याओं का अंतर यहाँ ए माइनस बी बराबर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो हम इसको जोड़ लेते हैं एक बार, तो यहाँ 2a हो जाएगा और इधर कट हो जाएगा, जोड़ लेते हैं एक बार, तो 6, 4, 10, 0 हाँ से 1, 4, 1, 5, 6, तो ए बराबर हो जाएगा, इधर इसको काट देते हैं 30, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पर 30। इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पूछा गया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है, किसके दो संख्या को, हमारे पास कोई दो संख्या है तो उनके योग अंतर का दो गुना है, तो छोटी संख्या क्या है? 10 है, और बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या हमारे पास, कोई बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या हमारी 10, यहाँ पर तो दिया गया है छोटी संख्या 10 है, तो दोनों तो दो संख्याओं का योग, हमारे पास दो संख्या, एक पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग और उनके अंतर का दो गुना है, तो योग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, योग हमारा हो जाएगा ए प्लस 10 इक्वल टू, ये योग के लिए हो गया, और उनके अंतर का दो गुना बोला गया है, तो उनके अंतर हमारा ए माइनस 10, इनके अंतर का दो गुना है, तो हल करते हैं ए प्लस 10 इक्वल टू, इसे गुना करेंगे तो 2a माइनस 20। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर ये आ जाएगा, तो 2a माइनस a बराबर, इधर इसको ले जाएंगे तो 20 प्लस 10 यहाँ तक a बराबर 30, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो ये सवाल के आंसर में दिख रहा है हमारा, ये 30 आंसर आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए अधिक मिलेगा दोस्तों, दोस्तों इस टाइप के सवाल आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज आप नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे अगला सवाल। तो मेरे चैनल का नाम है RK Short M Trick।